ना ज्यादा सामान, ना ज्यादा मेहनत, बिल्कुल हलवाई वाली असली बेसन की बर्फी, जिसका एक बाइट खाएं और उसके स्वाद में खो जाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फेस्टिवल स्पेशल, बहुत बहुत टेस्टी, बिल्कुल वही हलवाई जैसी असली वाली बेसन की स्वादिष्ट बर्फी। जैसे हम बाजार से बेसन की बर्फी लेते हैं और जिसका एक बाइट मुंह में रखो तो मुंह में घुल जाती है, बिल्कुल वैसी ही बेसन की बर्फी आज आपको बताऊंगी परफेक्ट टिप्स और परफेक्ट माप के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हलवाई स्टाइल बहुत ही स्वादिष्ट बेसन मावा बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले तो भाई हम चढ़ाएंगे गैस पर एक भारी तले की कढ़ाई। अब यहाँ मैं इसमें ले रही हूँ 2 कप बेसन, सिंपल जो हमारे पास रेगुलर में बेसन आता है मैंने वो लिया है। आपके पास अगर हल्का सा मोटा बेसन हो ना तो आप वो ले लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया उसका टेक्सचर आएगा। तो मैंने मेजरमेंट के लिए ये वाला कप लिया है, इस कप से 2 कप में बेसन ले रही हूँ। तो लीजिए 2 कप बेसन मैंने डाल दिया है और यहाँ पर कढ़ाई में मैंने ना घी डाला है ना तेल, सिंपल इसी तरह से आपको 2 मिनट बेसन को लो मीडियम फ्लेम पर हल्का सा गर्म कर लेना है, मतलब हल्का सा भूनना है। इस ट्रिक से जो बेसन है वो घी कम अब्सॉर्ब करेगा, यानी आपका घी भी कम लगेगा और मिठाई में जो टेक्सचर और स्वाद है वो भी ज्यादा आएगा। तो पहले हल्का सा इस तरह से भून लेंगे बेसन को सिर्फ 2 मिनट। ये लीजिए, तो मैंने 2 मिनट बेसन को हल्का सा भून लिया, आप देख सकते हैं मॉइस्चर हट गया है बेसन का। अब इस स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ उसी कप से 1 कप घी, यानी जो कटोरी या कप आपने लिया है उसी से 2 कप बेसन और उसी से 1 कप आप घी लें। लेकिन घी मैं यहाँ पूरा नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि जो ट्रिक मैंने लगाई है उससे घी थोड़ा आपका बच ही जाएगा। तो मैं यहाँ थोड़ा घी पहले डाल रही हूँ। अच्छे से घी के साथ मिक्स करेंगे बेसन को, फ्लेम को मीडियम रखेंगे अभी कुछ देर, लगातार चलाएंगे जरूर। अभी गणेश चतुर्थी भी चल रही है, आगे बहुत सारे फेस्टिवल आने वाले हैं, तो ये जो बेसन की बर्फी की रेसिपी है अब तो आपको बहुत काम आने वाली है और जो भी खाएगा वो तारीफ भी करेगा। थोड़ा सा घी मैं यहाँ उसी कप से थोड़ा और डाल रही हूँ, लेकिन देखिए यहाँ घी ना भी बचा हुआ है तो इसको अलग रख देंगे, जरूरत होगी तभी यूज करेंगे। अगर मैं वजन से बोलूँ सारी चीजें तो ऐसे मान के चलिए कि 2 कप बेसन 400 ग्राम बेसन हो गया और लगभग 200 ग्राम घी लिया है। आप इसकी जगह वनस्पति घी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मिठाई वगैरह देशी घी में ज्यादा बढ़िया बनती है। अच्छी तरीके से बेसन को भूनना है। अभी आपको बेसन थोड़ा सूखा सूखा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे ये भूनता जाएगा ये थोड़ा लिक्विडी हो जाएगा, यानी हल्का सा ये पतला हो जाएगा। मेरे तरीके से इस बार इसको तो आप जरूर बनाइएगा, घर में बच्चे बड़े मांग मांग कर बनवाएंगे और आप बार बार बनाना चाहेंगे। अब कुछ क्षण बाद आप फ्लेम को वापस से लो मीडियम कर दें, जिससे कोई भी चीज जले नहीं, और लगातार चलाते हुए बढ़िया से बेसन को भूनेंगे धीमी आंच पर, जिससे बेसन में सौंधी सौंधी खुशबू आए, कच्चापन निकल जाए और बढ़िया कलर आ जाए। अगर यहाँ पर आपको ज्यादा सूखापन लगे तो थोड़ा सा घी और ऐड कर लें, ये डिपेंड करेगा कितना मोटा आपने बेसन लिया है। और ये देखिए, आप देख सकते हैं कि बेसन की जो कंसिस्टेंसी है पूरी तरह चेंज हो गई है, हल्का पतला हो गया है बेसन और कलर भी बदल रहा है। अभी हमें बेसन को लो फ्लेम पर और पकाना है जब तक कि इसमें बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए, मतलब बहुत ज्यादा डार्क नहीं पर थोड़ा गोल्डन कलर पर। तो चलिए अब बेसन को तो हम यहाँ भूनते रहेंगे, हाथ बीच बीच में चलाते ही रहेंगे, साथ के साथ बना लेते चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए यहाँ जो मेजरमेंट रहेगा, मैं यहाँ ले रही हूँ 1.5 कप चीनी, उसी कप से ये हो गई 1 कप। अब 1/2 कप चीनी और लेंगे, वजन से बोलूं तो लगभग ऐसे मान के चलिए 300 ग्राम के आसपास ये चीनी है। अब इसमें हम डालेंगे उसी कप से 3/4 कप पानी, यानी 1 कप से थोड़ा सा कम पानी। अब बढ़िया से चीनी को हाई फ्लेम पर घुलने देंगे। यहाँ पर हमें बनानी है 1 तार की चाशनी, प्रॉपर 1 तार नहीं, मतलब 1 तार आने वाला हो, गाढ़ी हो जाए चाशनी हल्की, इस लेवल तक। मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना आपको चाशनी को पकाना है। और ये देखिए चीनी बिल्कुल बढ़िया से मेल्ट हो गई है। तो फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पहले डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर और साथ में डाल रही हूँ हलवाई वालों की तरह से थोड़ा सा केसर फूड कलर, बिल्कुल ऑप्शनल है क्योंकि ये इस बर्फी में डाला जाता है अच्छे कलर के लिए, तो मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह केसर के धागे भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा और पका लेंगे। ये देखिए 3 से 4 मिनट हो गए और देखिए मैं आपको हाथ पर दिखा रही हूँ इस तरह से, जब मैं इस तरह फिंगर के बीच में चेक कर रही हूँ तो 1 तार आ रहा है ऑलमोस्ट, मतलब 1 तार आ जाएगा गैस बंद करते करते तक। बस इतना भर तक ही हमें चाशनी को पकाना है। आप ये देखिए, फिर से दिखा रही हूँ, 1 तार ऑलमोस्ट आ रहा है, बस इतना, इससे ना ज्यादा ना कम। अगर कम कर देंगे
तो गीली गीली रह जाएगी, आपकी जो बेसन की बर्फी है ज्यादा कर देंगे तो कड़क हो जाएगी। तो गैस को बंद करेंगे, इसको रख देंगे इधर साइड में। वापस से अपने बेसन को चेक करते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है और कंसिस्टेंसी देखिए, मैं पास से दिखा रही हूँ, दरदरा दाना दाना है, फूला फूला बेसन दिख रहा है, परफेक्ट, एकदम बढ़िया खुशबू आ रही है। तो बिल्कुल बस इसी स्टेज पर इसमें मैं डाल रही हूँ इस बेसन की बर्फी की जान, मावा यानी खोया। तो खोया यहाँ पर मैंने लिया है पूरा एक कप, तो उसी कप से एक कप मावा डालेंगे। लगभग 150 ग्राम के करीब मावा है जिसे मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है, जिससे बिल्कुल आसानी से ये बेसन के साथ मिक्स हो जाए। जैसे ही आप मावा डालेंगे आप इसमें बदलाव देखेंगे, बबल्स उठेंगे और ये आपको फूला फूला दिखेगा मिक्सचर। ये देखिए अब लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर बढ़िया से दोनों चीजों को कंबाइन होने देंगे। इस मिठाई को बनाना आसान भी है, सामान इजीली घर में रहता ही है, और बेसन की बर्फी बिना मावा के कैसे बनाएं, बिना चाशनी के कैसे बनाएं और गुड़ के साथ कैसे बनाएं, ये सारे वीडियोस का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और कमेंट में पिंड भी कर दिया है। आप अगर इन चीजों के बगैर बनाना चाहें तो उस तरह से भी आप बना सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से पूरा मावा मिक्स हो गया है, आप देख सकते हैं एकदम कंबाइन हो गया है बेसन के साथ। बस थोड़ी देर और भून लेंगे इसको, ज्यादा कलर डार्क नहीं करेंगे। ये देखिए कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट दिख रही है, ये देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, टेक्सचर भी बिल्कुल दानेदार। इस स्टेज पर गैस को कुछ क्षण के लिए बंद कर दीजिए और इसको एक मिनट इसी तरह चलाइए, जिससे कि जो ज्यादा तेज गर्माई है वो थोड़ी कम हो जाएगी। लीजिए हल्का सा टेम्परेचर डाउन हुआ है। इस स्टेज पर अब इसमें हम डालेंगे हमारी तैयार चाशनी। तो इस तरह से चाशनी पूरी एक साथ नहीं डाल देंगे, पहले थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। गैस को वापस से ऑन करेंगे, फ्लेम को लो मीडियम कर देंगे और लगातार चलाते हुए थोड़ा सा और पका लेंगे कि जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो बर्फी जमाने लायक हो जाए। ये देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया कंसिस्टेंसी दिख रही है, थोड़ी सी चाशनी अभी बची है, मुझे जरूरत लगेगी तो मैं ऐड कर लूंगी। थोड़ी चाशनी मैंने और डाल दी थी तो पूरी चाशनी लगभग इसमें लग गई है। ये देखिए एकदम परफेक्ट कलर कंसिस्टेंसी और टेस्ट तो पूछिए मत, इतना बढ़िया आएगा। बनाना आपने देखा कितना आसान है, इससे ज्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे क्योंकि ये जो बेसन की बर्फी है सॉफ्ट ही रहती है हल्की, तभी इसे खाने का मजा है। कढ़ाई को देखिए छोड़ सी भी रही है, कलर भी बहुत प्यारा आ गया है, तो गैस को बंद कर देंगे। यहां मैंने बर्फी जमाने के लिए ली है स्टील की थाली, आप इसे बर्फी वाली ट्रे, केक टिन किसी में भी जमा सकते हैं। थोड़ा सा घी लगाकर थाली को ग्रीस कर लेंगे और सारे मिक्स को थाली पर ट्रांसफर कर लेंगे। अब ऊपर थोड़ा सा लेवल करेंगे या टैप कर दीजिए प्लेट को, बिल्कुल बराबर हो जाएगी ये। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है, बहुत ही शानदार बर्फी बनी है। बस अब आप अपने मनचाहे तरीके से इसको सजा सकते हैं, चाहे तो चांदी के बर्फ से, चाहे मनचाहे ड्राई फ्रूट से, नारियल के बुरादे से, जैसे चाहे वैसे डेकोरेट करें। मैं इस पर डाल रही हूँ थोड़े से पिस्ता बारीक कटे हुए और साथ में वाटरमेलन सीड्स यानी मगज के बीज। इससे ना इसकी लुकिंग बड़ी अच्छी आएगी, कंट्रास्ट एकदम बढ़िया दिख रहा है कलर। अब इसको पूरी तरह से ठंडा होने देंगे, बढ़िया से सेट होने देंगे, इसी तरह से प्लेटफॉर्म पर छोड़ देंगे। आप चाहें तो इसे कुछ क्षण बाद फ्रिज में भी रख सकते हैं जिससे जल्दी सेट हो जाए। उसके बाद मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। और ये देखिए बहुत ही शानदार हमारी बेसन मावा बर्फी हलवाई स्टाइल बनकर के बिल्कुल तैयार है और ये देखिए परफेक्टली सेट भी हो गई है। ये देखिए मैं काट कर दिखा रही हूँ आपको, आप जैसे चाहें डायमंड शेप में, स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, जैसे चाहें उस तरह इसे कट कर सकते हैं। और ये देखिए मेरे काटने से आप समझ रहे होंगे कि कितनी परफेक्ट ये हमारी बर्फी तैयार हुई है। ये देखिए बनी है ना परफेक्ट बेसन बर्फी, रुक नहीं पाएंगे आप इसको काटते काटते वक्त तक लगेगा, उठाओ और खाओ। और अब ये देखिए इसका टेक्सचर, एक एक पीस इसका परफेक्ट कटा है, एक एक पीस आपको मैं दिखा रही हूं, बिल्कुल परफेक्ट सेट हुआ है। और इस तरह बना करके आप इस बर्फी को पूरे 10 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल खराब नहीं होगी। त्योहार आने वाले हैं तो उन पर आप पहले से भी बनाकर रख सकते हैं।
सभी की ऑल टाइम फेवरेट होती है बेसन की बर्फी। और अब की बार मैंने इसको बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से इस बार बनाया है, जिससे जो लोग भी मावे वाली खाना चाहते हैं तो वो बिल्कुल इजीली घर में बना लें शुद्धता के साथ, क्योंकि फेस्टिवल्स वगैरह पे मिठाई बहुत मिलावटी मिलती है और अच्छी भी नहीं होती। तो आप भी इसे जरूर बनाएं और मुझे जरूर बताएं कैसी लगी आपको आज की ये हलवाई स्टाइल बेसन मावा की बर्फी। 100% परफेक्ट रेसिपी है, जो मेजरमेंट्स मैंने आपको बताए हैं बिल्कुल वैसे ही बनाइएगा, जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं तो आपकी भी बेसन बर्फी बहुत ही शानदार बनेगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये बेसन बर्फी की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।